सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हो अपना अक्षय क्रिकेट पार्टी। तो आपका मेरी वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 क्रिकेट एकेडमीज के बारे में, जो कि आपके क्रिकेट करियर में बहुत महत्व रखती हैं। तो इसमें हम बात करेंगे इनकी फीस के बारे में, लोकेशन के बारे में और इनकी फैसिलिटीज के बारे में। नंबर 10 पर आती है गुजरात की किरण मोरे क्रिकेट एकेडमी। यह एकेडमी भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर किरण मोरे जी की है और यहाँ पे अच्छी आपको टर्फ विकेट्स मिलेंगी और अच्छे कोचिंग स्टाफ हैं। और अगर इसकी फीस की बात की जाए तो 30 से 35,000 तक इसकी सालाना फीस है। नंबर 9 पर आती है जयपुर की जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी। यह एकेडमी अनुराग जयपुरिया जी और कुछ रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स मिलकर चला रहे हैं। यह एकेडमी बॉयज और गर्ल्स दोनों को कोचिंग देती है। और अगर यहाँ की हम सालाना फीस की बात करें तो यहाँ की सालाना फीस 25,000 से 30,000 के बीच है। नंबर 8 पर आती है शिवाजी पार्क जिम खाना क्रिकेट एकेडमी। ये एकेडमी मुंबई में है। हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी यहीं से अपनी शुरुआत की थी। और सचिन तेंदुलकर ही नहीं, विनोद कांबली और संजय मांजरेकर जैसे प्लेयर भी यहाँ पर खेल चुके हैं। और अगर हम यहाँ की सालाना की फीस की बात करें तो यहाँ पर 20,000 से 25,000 सालाना फीस है। नंबर 7 पर आता है चेन्नई का जैन नेक्स्ट क्रिकेट इंस्टीट्यूट। और इस क्रिकेट इंस्टीट्यूट के रविचंद्रन अश्विन मेंटोर हैं। और यहाँ पर हमें तरह तरह की फैसिलिटीज देखने को मिलेगी, जैसे बॉलिंग मशीन्स, प्रैक्टिस नेट्स एंड ऑल टाइप ऑफ पिचेस। अगर हम यहाँ की सालाना फीस की बात करें तो 35,000 से 40,000 यहाँ की सालाना फीस है। नंबर 6 पर आता है दिल्ली का सोनेट क्रिकेट क्लब। यह क्लब 1969 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। यह सबसे पुराना और सबसे फेमस क्रिकेट क्लब माना जाता है। शिखर धवन, ऋषभ पंत और आशीष नेहरा, इन तीनों ने यहीं से ट्रेनिंग ली हुई है। और इस एकेडमी का रजिस्ट्रेशन करने का तरीका थोड़ा अलग है। पहले आपको इस एकेडमी में ट्रायल देने होंगे। और अगर हम इसकी फीस की बात करें तो इसकी सालाना फीस 45,000 से 50,000 रुपए है। नंबर 5 पर आती है चेन्नई की वीबी क्रिकेट एकेडमी। और यह एकेडमी चेन्नई में सबसे बेस्ट एकेडमियों में गिनी जाती है। और यहाँ पर आपको वीडियो एनालिसिस जैसी सुविधा भी उपलब्ध है। और अगर हम यहाँ की फीस की बात करें तो 40,000 से 45,000 इसकी यहाँ की सालाना फीस है। नंबर 4 झज्जर से सहवाग क्रिकेट एकेडमी। और यह एकेडमी वीरेंद्र सहवाग जी की है। और यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि हॉस्टल फैसिलिटीज, बॉलिंग मशीन्स और यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम फील्डिंग सेशन भी देखने को मिलेंगे। और अगर हम इसकी सालाना फीस की बात करें तो 40,000 से 50,000 यहाँ की सालाना फीस है। नंबर 3 बैंगलोर की नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी NCA। यह एकेडमी पूरे भारत में सबसे बेहतरीन एकेडमियों में गिनी जाती है और इसके प्रेसिडेंट राहुल द्रविड़ हैं। और इस एकेडमी की स्थापना 2000 में हुई थी। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल या फिर जोनल लेवल पे खेलना बहुत जरूरी है। और इनमें से भी कुछ ही चुनिंदा प्लेयरों को कॉल जाती है। इनके अगर कुछ मशहूर खिलाड़ियों की बात करें तो युवराज सिंह, हरभजन सिंह और जहीर खान जैसे प्लेयर यहाँ से खेल के जा चुके हैं। अगर हम इसकी फीस की बात करें तो इसकी फीस फिक्स नहीं है, मतलब इसमें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है जिस हिसाब से सबकी फीस अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू कोचेस। नंबर 2 पर आती है न्यू दिल्ली की सबसे मानी जानी एकेडमी मदन लाल क्रिकेट एकेडमी, जो कि दिल्ली की सबसे बेस्ट एकेडमियों में गिनी जाती है। और यहाँ के डायरेक्टर हैं भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी मदन लाल जी। इसमें आपको इंटरनेशनल लेवल के कोचेस देखने को मिलेंगे। और इस एकेडमी की 3 ब्रांचेस हैं, पहली दिल्ली में, दूसरी नोएडा में और तीसरी उत्तराखंड में। और जो उत्तराखंड वाली ब्रांच है उसमें आपको हॉस्टल फैसिलिटीज भी देखने को मिलेगी। और अगर हम इसकी सालाना फीस की बात करें तो इसमें आपको 40,000 से 45,000 रुपए सालाना फीस है। नंबर 1 पर मैं रखता हूँ कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट, जो कि मेरे लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। वो इसलिए, चलिए हम पहले इनकी हेड कोच की बात करते हैं। तो इनके हेड कोच हैं मिस्टर इरफान सेठ। और उन्होंने BCCI लेवल 1, 2 और 3 ये तीनों कोर्सेज पूरे किए हुए हैं और इनके अंडर 40 कोचेज और काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज देखने को मिलेगी, जैसे कि आर्टिफिशियल टर्फ देखने को मिलेंगे और बॉलिंग मशीन देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको बॉल स्पीड चेक रडार भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्रिकेट से अलग योगा क्लासेस और साइकोलॉजी क्लासेस भी देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ के फेमस खिलाड़ियों की बात करें तो मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, मयंक अग्रवाल और मिताली राज जैसे प्लेयर्स यहाँ से निकल चुके हैं।
अगर हम यहाँ की फीस की बात करें तो अगर आपको एक दिन में एक सेशन लेना है तो यहाँ की सालाना फीस है 28,000, और अगर आपको एक दिन में दो सेशन लेने हैं तो यहाँ की फीस है 45,000, और अगर आपको एक दिन में तीन सेशन लेने हैं तो यहाँ की फीस है 65,000। तो भाई यह थी इंडिया की टॉप 10 क्रिकेट एकेडमीज। तो आप भी अपनी एकेडमी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।